ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेसिंग हमने प्रीवियस वीडियो तक कंप्लीट कर लिया थी। इस वीडियो से हम बात करेंगे टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग की। देखो, ये प्री स्ट्रेसिंग के जो टाइप्स है ना, वो डिपेंड करता है कि आप किस रेफरेंस में बात कर रहे हो। अभी हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, मतलब जिस जो मेंबर कंक्रीट मेंबर के अंदर जो बार्स के थ्रू हम फोर्स ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो वो फोर्स हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो किस सोर्स से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं टाइप की। ठीक है, पहला टाइप है हाइड्रोलिक प्री स्ट्रेसिंग, मतलब हाइड्रोलिक तरीके से हाइड्रोलिक जेक यूज़ करके हम क्या करते हैं, टेंशनिंग जनरेट करते हैं बार में, फिर उसके बाद में वो कंक्रीट में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अगर आप हाइड्रोलिक जेक का यूज़ कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक प्री स्ट्रेसिंग। ठीक है, अगर आप पुली या फिर किसी वेट इसका यूज़ कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल प्री स्ट्रेसिंग। ओके, दो तरीके के हो गए टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग हम पढ़ रहे हैं। किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, सोर्स के बेसिस पे, कि किस सोर्स से आप प्री स्ट्रेसिंग जनरेट कर रहे हो। तो पहला तो हो गया हाइड्रोलिक प्री स्ट्रेसिंग अगर आप हाइड्रोलिक जेक का यूज़ कर रहे हो, और दूसरा हो गया मैकेनिकल प्री स्ट्रेसिंग अगर आप किसी पुली या कोई वेट का यूज़ कर रहे हो। ओके, तीसरा है इलेक्ट्रिकल प्री स्ट्रेसिंग या फिर थर्मल प्री स्ट्रेसिंग। इलेक्ट्रिकल प्री स्ट्रेसिंग या फिर थर्मल इलेक्ट्रिक प्री स्ट्रेसिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, देखो जैसे कोई बार है, ओके, ये अबिटमेंट है। अगर हम प्री टेंशनिंग की बात कर रहे हैं, प्री टेंशनिंग में ही होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस बार को हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो ये बार जब हीट होगी तो ये क्या होगी, इसमें एक्सपेंशन होगा बार में। तो जब हीट होगी तो एक्सपेंशन होगा, तो जब इस बार को आप हीट कर रहे हो, जब इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, तो आप इस अबिटमेंट को इस साइड खिसका दोगे। ठीक है, इस साइड खिसकाने के बाद मान लो यहाँ तक आ गए और आपने फिर यहाँ इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया, फिर आप इस बार को क्या करोगे, ठंडी करोगे। ओके, कूल डाउन करोगे इसको। तो जब ये कूल होगी, ये यहाँ पर आ गई, जब ये कूल होगी तो वापस से इसकी एक्चुअल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी ये। ओके, लेकिन अब आपने तो इसको यहाँ से फिक्स कर दिया, तो अभी एक्चुअल पोजीशन में नहीं आ सकती। ओके, तो इस बार में क्या हो जाएगी, टेंशन जनरेट हो जाएगी। तो एक तरीके से आप इसमें टेंशन जनरेट कर दिए। कैसे करें, इसको हीट करके, इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल प्री स्ट्रेसिंग या फिर थर्मल इलेक्ट्रिक प्री स्ट्रेसिंग। देखो क्या लिख रखा है, हीट द प्री स्ट्रेसिंग केबल अप टू 300 to 400 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर हम इसको हीट करेंगे बहुत ही जल्दी, क्विकली हीट करेंगे। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे आप हीट कर रहे हो, अप्रोक्स 3 to 5 मिनट के अंदर आप इसको हीट कर दोगे इतने टेम्परेचर के ऊपर, 300 to 400 डिग्री सेल्सियस। When pulled the steel bar will try to decrease, और आप क्या करोगे, स्टील बार को पुल कर दोगे, फिर जब ठंडी होगी तो ये क्या करेगी, डिक्रीज होने की कोशिश करेगी, इसकी लेंथ कम करने की कोशिश करेगी। बट दिस विल बी रजिस्टर्ड बाई द एंड प्लेट, लेकिन आप क्या करते हो, एंड प्लेट से इसको रजिस्ट करवा देते हो, जिसके कारण इसके अंदर टेंशन जनरेट हो जाती है बार के अंदर। तो एक ये तरीका हो गया। फोर्थ की हम बात करें केमिकल प्री स्ट्रेसिंग। केमिकल प्री स्ट्रेसिंग का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, जो कंक्रीट यूज़ करते हैं ना वो एक्सपेंडिंग यूज़ करते हैं, मतलब उसके अंदर सीमेंट जो यूज़ करेंगे ना वो एक्सपेंडिंग सीमेंट यूज़ करेंगे। उसका मतलब क्या होता है, जब आप कंक्रीट को कास्ट कर देते हो, मान लो ये आपने कंक्रीट को कास्ट कर दिया और आपने उस कंक्रीट को फॉर्म करने के लिए उसके अंदर जो सीमेंट यूज़ कर रखी है वो एक्सपेंसिव, मतलब एक्सपेंड होगी वो सेट होने के बाद में, तो वो एक्सपेंडिंग सीमेंट आपने यूज़ कर रखी है, आपने कंक्रीट को कास्ट कर दिया। ओके, इसका हाइड्रेशन वगैरह हो गया, तो जब ये सेट होना स्टार्ट होगी, जब ये सेट होती रहेगी 28 डेज तक, हम 28 डेज की बात करते हैं, वैसे इसकी स्ट्रेंथ 28 डेज के बाद में 1 year 2 year 10 year तक चलती रहती है, लेकिन हम मोस्टली जो इसकी स्ट्रेंथ है ना वो 28 डेज में कवर हो जाती है। ये भी हम बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में जो सीमेंट वाला चैप्टर है उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब ये सेट होगी 28 डेज में, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने एक्सपेंडिंग सीमेंट यूज़ कर रखी है, तो एक्सपेंडिंग कंक्रीट, और देखो यहाँ पर हमने प्री स्ट्रेसिंग केबल प्रोवाइड कर रखी है, तो जब ये कंक्रीट एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, लेकिन ये जो बार है ना, इसमें आपने जो बार प्रोवाइड कर रखी है वो एक्सपेंड इसको नहीं होने देगा। क्यों, क्योंकि बॉन्डिंग अच्छी हो रखी है, इसमें प्री टेंशनिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बॉन्डिंग अच्छी हो रखी है, तो बॉन्डिंग अच्छी हो रखी है और ये एक्सपेंडिंग सीमेंट के कारण ये बार एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये सॉरी
एक्सपेंडिंग कंक्रीट के कारण ये मेंबर एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये बार इसको एक्सपेंड नहीं होने देगी बॉन्डिंग के कारण। तो क्या होगा, इस बार के अंदर तो कंप्रेशन जनरेट हो जाएगा और इस मेंबर के अंदर तो ये बार में मेंबर में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, बोलने में हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वापस से शुरू से बोलता हूँ। देखो ये जो आपने मेंबर कास्ट कर रखा है इसके अंदर आपने एक्सपेंडिंग सीमेंट यूज कर रखी है, तो ये मेंबर एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा 28 डेज में सेट होते टाइम, ओके। लेकिन इसके अंदर जो बार है वो इसको एक्सपेंड नहीं होने देगी बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो रखी है। प्री टेंशनिंग की हम बात कर रहे हैं, बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। तो जब ये मेंबर एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा और ये बार इसको एक्सपेंड नहीं होने दे रही है, इसलिए इस मेंबर के अंदर तो कंप्रेशन जनरेट हो जाएगा और इस बार के अंदर टेंशन जनरेट हो जाएगी। और यही हम करते हैं हमेशा कि बार में टेंशन जनरेट कर देते हैं, जिससे जो मेंबर है कॉन्क्रीट है उसके अंदर कंप्रेशन जनरेट हो जाए। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, मेंबर में प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स जनरेट कर देते हैं। वही चीज़, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रीस्ट्रेसिंग बोलते हैं। यही लिख रखा है, देखो एक्सपेंडिंग सीमेंट इज यूज्ड, इसके आगे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर कटा हुआ है, मैं थोड़ा बोल देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है एक बार, है ना। ये स्कैनिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया, इस वजह से ये कट जाता है बीच में। देखो केमिकल प्रीस्ट्रेसिंग में लिखा है एक्सपेंडिंग सीमेंट इज यूज्ड, ओके, एक्सपेंडिंग सीमेंट यूज करते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है द एक्सपेंशन इज रेस्ट्रेंड बाई हाई टेंशन प्री स्ट्रेसिंग केबल, लिख लेना मैं बोल रहा हूँ, जो एक्सपेंशन के आगे लिखो इज रेस्ट्रेंड बाई हाई टेंशन प्री स्ट्रेसिंग केबल विद एंड प्लेट एंड हैंस कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन कॉन्क्रीट। जो मैंने समझा है ना वही चीज़ यहाँ पर लिख रखा है ना, तो आप खुद की लैंग्वेज में लिख लेना, या फिर मैंने अभी जो बोला उसको वापस से बेक करो, आप उसको वापस से सुन के और इसको लिख सकते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रीस्ट्रेसिंग बोलते हैं। एक्सपेंडिंग सीमेंट हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। फिफ्थ टाइप की अगर हम बात करें तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल प्रीस्ट्रेसिंग। इसमें क्या होता है, देखो सीधा पता है हमें, देखो एक्सटर्नल का मतलब है जो आप बार प्रोवाइड करोगे ना इसके अंदर, वो एक्सटर्नली बाहर प्रोवाइड करोगे, और इंटरनल का मतलब है जो बार प्रोवाइड करोगे वो इंटरनल कंक्रीट के अंदर प्रोवाइड करोगे, बस ये डिफरेंस है। एक्सटर्नल की बात करते हैं, प्री स्ट्रेसिंग केबल लोकेटेड आउटसाइड द कंक्रीट, जैसे ये देखो ये कंक्रीट के बाहर प्रोवाइड, जैसे मान लो ये मेंबर है, ठीक है, ये मेंबर है। तो एक्सटर्नल की बात करें तो देखो एक्सटर्नली बाहर प्रोवाइड कर रखे हैं, और अगर इंटरनल की बात करें, इंटरनल तो केबल लोकेटेड इनसाइड द कंक्रीट, कंक्रीट के अंदर प्रोवाइड हो रखी है, तो कंक्रीट के अंदर प्रोवाइड हो रखी है। तो देखो ये रही कंक्रीट के अंदर, यहाँ या देखो ये प्रोवाइड हो रखी है यहाँ पर। तो इंटरनली प्रोवाइड करेंगे तो इंटरनल प्रीस्ट्रेसिंग, और एक्सटर्नली प्रोवाइड करेंगे तो एक्सटर्नल प्रीस्ट्रेसिंग। ये कंप्लीट हो गया हमारा टाइप ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग। अब हम बात करते हैं What is the difference between full pre-stressing, limited pre-stressing and partial pre-stressing? तीनों में डिफरेंस होता है, full pre-stressing अलग होता है, limited pre-stressing अलग होता है and partial pre-stressing अलग होता है। एक एक करके हम देख लेते हैं। देखो जो full pre-stressing होता है ना उसको हम बोलते हैं class 1 structure, ओके। और इसके full pre-stressing क्या होता है, level of pre-stressing is such that हम मेंबर के अंदर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इस तरीके से इंड्यूस्ड करते हैं ताकि नो टेंजाइल स्ट्रेस इज अलाउड इन कंक्रीट अंडर सर्विस लोड। मतलब ये क्या कहना चाहता है, देखो ये मेंबर है और ये हमारी प्री टेंशनिंग बार है, हम क्या करते हैं इस बार को यहाँ से खींचते हैं क्योंकि इसमें टेंशन जनरेट हो जाए, और इसमें टेंशन जनरेट होगा तो फिर मेंबर के अंदर कंप्रेशन जनरेट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम इतना कंप्रेशन जनरेट करवाते हैं, इसके अंदर इस मेंबर में हम इतना कंप्रेशन दिख नहीं रहा है ठीक से, इस मेंबर में हम इतना कंप्रेशन जनरेट करवाते हैं ताकि जो बाहर से लोड आ रहा है उस लोड के कारण ये मेंबर कुछ इस तरीके से घूमने की कोशिश करेगा, तो नीचे क्या होगा, टेंशन आएगा और ऊपर कंप्रेशन आएगा। तो इस बार के थ्रू हम इसमें पहले ही इतना कंप्रेशन डाल देते हैं कि बाहर से जो लोड आ रहा है ना उसके कारण इसके ऊपर कंप्रेशन आएगा लेकिन नीचे टेंशन नहीं आ पाएगा। ऐसी कंडीशन हो उसको हम बोलते हैं फुल प्री स्ट्रेसिंग क्लास 1 स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरी जो बात है लिमिटेड प्री स्ट्रेस, अभी मैं इसको हटा दूंगा डायग्राम को, फिर देख लेना। दूसरा है लिमिटेड प्री स्ट्रेसिंग, मतलब क्लास 2 स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या है,
टेंजाइल स्ट्रेस, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है अभी आप पढ़ लेना, मैं इसको डायग्राम को उठाऊंगा जब, टेंजाइल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट अंडर सर्विस लोड इन विद इन द क्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट नो के देख देख फालतू कुछ कुछ लिख रखा है, देखो क्या लिख रखा है। पहले तो आपको समझ आ गया ना फुल प्रीस्ट्रेसिंग क्या होता है। फुल प्रीस्ट्रेसिंग का मतलब है आप उसमें प्रीस्ट्रेसिंग इस तरीके से जनरेट करते हो ताकि उसके अंदर टेंशन जनरेट नहीं हो, नीचे टेंशन फोर्स बिल्कुल भी जनरेट ना हो। जो सेकंड है ना वो क्या कहना चाहता है, देखो ये सेकंड क्या कहना चाहता है, सेकंड ऐसे कहना चाहता है कि ये जो मेंबर है ना इसमें ये बात और ये प्रीस्ट्रेसिंग केबल है तो आप इसमें इस तरीके से स्ट्रेस जनरेट करो ताकि इसमें टेंशन तो आए लेकिन नीचे का सेक्शन क्रैक नहीं हो। ठीक है, जो इसको क्लास टू स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्लास वन के अंदर तो नीचे टेंशन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ओके, और क्लास टू स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर टेंशन आ जाए कोई बात नहीं लेकिन क्रैक नहीं होना चाहिए नीचे से, तो वो होता है लिमिटेड प्रीस्ट्रेसिंग। ठीक है, और अगर हम तीसरे की बात करें पार्शियल प्रीस्ट्रेसिंग, उसको हम बोलते हैं क्लास थ्री स्ट्रक्चर, इसमें आपका नीचे टेंशन आ जाए और क्रैक भी हो जाए चाहिए कोई बात नहीं लेकिन जो क्रैक हो रहा है ना उसकी विड्थ परमिसिबल लिमिट के अंदर अंदर हो, परमिसिबल लिमिट से बाहर नहीं जाए। परमिसिबल लिमिट कितनी होती है क्रैक की वो मैंने आपको आरसीसी में बता रखी है, आप आरसीसी का चैप्टर नंबर 1 खोलना और उसको वापस से देखना, आपको पता लग जाएगा, जिन लोगों ने जो लोग मेरे सारे वीडियो देखते हैं उनको अच्छे तरीके से पता होगा। तो जो पार्शियल प्रीस्ट्रेसिंग है क्लास थ्री स्ट्रक्चर हो गया है, टेंजाइल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट अंडर सर्विस लोड इज सच दैट द क्रैक विड्थ इज अंडर परमिसिबल लिमिट। तो 1, 2, 3 का पता लग गया आपका, क्लास वन स्ट्रक्चर, क्लास टू स्ट्रक्चर, क्लास थ्री स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है कि नीचे टेंशन जनरेट बिल्कुल भी ना हो, इसके अंदर टेंशन जनरेट चाहे हो जाए लेकिन क्रैक नहीं हो, इसके अंदर आपकी टेंशन भी जनरेट हो जाए चाहिए और क्रैक भी हो जाए लेकिन क्रैक क्या है एक परमिसिबल लिमिट के अंदर क्रैक हो। ठीक है, तो ये तीनों का पता लग गया आपको, फुल प्रीस्ट्रेसिंग क्लास वन स्ट्रक्चर, लिमिटेड प्रीस्ट्रेसिंग क्लास टू स्ट्रक्चर एंड पार्शियल प्रीस्ट्रेसिंग क्लास थ्री स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद में कुछ पॉइंट है वो अगर आप बुक से पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैं इनको बाद में पढ़ाऊंगा, लेस इंपॉर्टेंट रहता है। देखो पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ टेंडन्स क्या क्या होते हैं, और तीसरा मेथड ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग। हमने मेथड ऑफ टाइप ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग देख लिया, हमने सोर्स अपना क्या था, अपना सोर्स क्या था इसका, इसका पढ़ने का कि वो सॉरी किस बेसिस पे था हमारा कि हमारा जो प्रीस्ट्रेसिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, सोर्स क्या है उसका, उस पर बेसिस तो हमने टाइप ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग देख लिया। लेकिन ये तीनों टॉपिक आप अगर किसी बुक से पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन बाद में इनको देख लेंगे। पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम, टाइप ऑफ टेंडन एंड मेथड ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग, तीनों आप बुक से देख लेना। ठीक है, अब फाइनली मैंने आपको जो इसका लेक्चर नंबर सॉरी वीडियो नंबर 1 था प्रीस्ट्रेसिंग के ऊपर, मैंने बताया था कि मैं आपको वो बताऊंगा कि सबसे कम साइज होती है तो क्या बोलते हैं फिर क्या होती है। तो देखो क्या क्या चीज़ होती है, वायर, स्ट्रेंड्स, टेंडन्स, केबल एंड बार होती है। तो जो वायर होता है ना उसकी डाया, बार की जो डाया है सॉरी वायर, वायर की जो डाया है वो सबसे कम होती है। अगर थोड़ी ज़्यादा डाया होगी तो उसको हम स्ट्रेंड्स बोलेंगे, उससे ज़्यादा डाया होगी तो टेंडन्स बोलेंगे, उससे ज़्यादा डाया होगी तो केबल बोलेंगे, और बार कब बोलेंगे जब डाया सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो डाया के डायामीटर के रेस्पेक्ट में ये चीज़ यहाँ पर लिख रखी है, यहाँ पर बता भी रखा है और यहाँ पर लिख रहा है, देखो डब्ल्यू इस तरीके से आप याद रख सकते हो, डब्ल्यू एस टी सी बी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस में, डाया का। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है, नेक्स्ट वीडियो से हम हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। ये तो हमारा प्रीस्ट्रेसिंग में, प्री स्ट्रेसिंग कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में हमारा ये तो यूनिट नंबर वन थी जो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था, सिंपल इंट्रोडक्शन था, और भी देखा था हमने कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस तरीके की बार्स होती है, ओके, प्री टेंशनिंग क्या होता है, पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है। जो हमारा यूनिट नंबर 2 है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो, उसमें हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस, उसमें हम क्या करेंगे एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद में जो थर्ड होगा उसमें हम लॉसेस देखेंगे। थैंक यू।